अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक, अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी कि अगर हम रात सोने से पहले कुछ हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें, कुछ एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें, तो हमें लाजवाल कामयाबी मिल सकती है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा मैं पसंद किया था, और उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है वो आई कार्ड में ऊपर डाल दूंगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। बट आज की जो वीडियो है वो मैं बेसिकली बना रहा हूँ कि अगर हम सुबह उठने के बाद अपने कुछ हैबिट्स जो हैं वो चेंज कर लें और कुछ हैबिट्स हम बना लें तो भी हमें बहुत लाजवाल कामयाबी जो है वो मिल सकती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर कि मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। तो जनाब, आज बात कर लेते हैं एक ऐसे टॉपिक की कि अगर हम सुबह उठने के बाद अपनी कुछ हैबिट्स चेंज कर लें और कुछ हैबिट्स अपने कुछ एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें तो हम लोगों को लाजवाल कामयाबी मिल सकती है, जिसमें ये मैं कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ टिप्स दूंगा, आपने इनको लास्ट तक देखना है। कुछ हमारी रूटीन लाइफ से हैं, कुछ हमारी रिलीजियस और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, तो इसको कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी ये टिप्स जो हैं। जिसमें टिप नंबर वन है कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले जो काम करना है वो तो है जनाब नमाज। हमने नमाज फजर अदा करनी है, और अगर आप किसी और मज़हब से भी हैं तो आप अपनी कोई भी इबादत कर सकते हैं, बट क्योंकि एज ए मुस्लिम मैं आपको यही आपको एडवाइस करूँगा कि आप सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करें, अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हों, और उससे दुआ करें कि उस आपका ये आज का दिन और आने वाले दिन जो है वो बहुत अच्छे साबित हों, और अल्लाह ताला हम सबको और आपको आज आने वाली प्रॉब्लम से और मसाइब से निजात दिलाए, और शैतान और इंसानों के शर से हमें महफूज रखे। जब हम इस तरह से अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो ज़िंदगी में और आज के दिन में हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है। तो ये तो आप टिप जो है वो अपने साथ गिरा बांध लें, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, और इस पर मैं जब भी अमल करता हूँ, मैं रेगुलरली तो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं भी इसको रेगुलरली अपनी लाइफ में इंक्लूड करूँ, ताकि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं हम उनको अवॉइड कर सकें। देन जो टिप नंबर टू है वो ये है कि जनाब नमाज अदा करने के बाद आप देखें कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो जाग गए हैं तो सबसे पहले जाकर उनको आप सलाम करें, उनसे दुआ लें, क्योंकि जो माँ बाप की जो दुआएँ हैं और जो उनकी एक प्यार भरी नज़र है वो हमारे पूरे दिन को जनाब इस तरह से रोशन कर देगी, इस तरह से कामयाब कर देगी कि आपने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। ये जो दोनों टिप्स हैं मैं आपको इसलिए सुबह उठने का मैं मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सुबह सवेरे रिस्क बांटता है, रोज़ी और रिस्क बांटता है, तो अगर हम उस टाइम में सोते रह गए तो फिर वो रोज़ी और रिस्क जो है हमारे हिस्से का भी शायद किसी और को मिल जाएगा। तो हमने कोशिश ये करनी है कि सुबह सवेरे उठ के अपने हिस्से का जो रिस्क है, जो जो हमें अल्लाह ताला ने नेमतें अदा करनी है, हम उनको समेट लें, जितना ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं हम उनको ग्रैब कर लें, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है जनाब नेमतें समेटने का। ठीक है, तो ये जो टिप नंबर टू थी। और जो टिप नंबर थ्री है वो जनाब ये है कि आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, यू शुड डू अ लिटिल एक्सरसाइज, वो चाहे आप योगा कर लें, आप कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी वॉक कर लें, साइकिल चला सकते हैं तो बाइसिकल थोड़ी सी चला लें, घर में ही अगर लॉन में थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है तो आप वो कर लें। और इसके लिए मेरी एक और एडवाइस भी है कि आप एक फिटनेस ट्रैकर ले लें, एक स्मार्ट वॉच ले लें, चाहे सस्ती ही क्यों ना हो वो, ताकि आपके वो स्टेप्स आपको काउंट करके बता सके, आपकी एक्सरसाइज आपको काउंट करके बता सके कि आपने कितनी एक्सरसाइज जो है वो आज कर ली है, और फिर आपकी हार्ट बीट, आपका ये तमाम जो कैलोरीज बर्निंग है वो तमाम आपको वो काउंट करके बता देगी। तो आप ये कोशिश करें कि आप दिन में या अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में आप एक छोटी सी एक एक्सरसाइज की एक रूटीन जो है वो अपनी लाइफ में बना लें, ये आपको पूरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रखेगी। देन जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो जनाब है प्लान योर डे, ये रूटीन लाइफ से प्लान योर डे, कि आप घर निकलने से पहले आपने क्या करना है कि आपने आज के दिन को प्लान कर लेना है कि मैं आज घर से निकल रहा हूँ तो अभी मैंने रास्ते में कोई काम तो नहीं करना, कोई काम करना है तो वो कौन सा काम है, तो आप वो काम करते हुए चलें, बट कोशिश ये करें कि उससे हमारा ऑफिस वर्क या अगर आपको बिजनेस करते हैं तो वो जो टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो।
आप वो काम करें, ऑफिस में जाएं और आपका एक पूरा प्लान बना हुआ हो कि आज मैंने कौन कौन सी मीटिंग्स करनी है, आपको कोई असिस्टेंट भी है तो भी आप ये कोशिश करें कि आपको उस पर रिलाई ही ना करना पड़े, आपको खुद पता होगा यार मैंने आज क्या क्या काम करने हैं। और जब आप अपने डे को प्लान करेंगे कि मैंने सुबह ये करना है, मैंने इतना इतना नाश्ता करना है और फिर मैं घर से निकलूँगा, रास्ते में अगर कोई काम है, ATM यूज़ करनी है या कोई और काम करना है तो वो मैं साथ साथ करता चलूँ, और फिर ऑफिस पहुँचें, ऑफिस पहुंचने के बाद जनाब आप बिस्मिल्लाह करके अपना काम स्टार्ट करें, और फिर जो आपने प्लान किया हुआ है, कोई मीटिंग्स हैं, किसी से मिलना है, अपना काम कौन सा आज के दिन में करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो आप करते चले जाएं, और फिर शाम तक का अपना प्लान कंप्लीट करके फिर घर पहुंचे। तो ये आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने डे को पूरा प्लान करके चलना है, क्योंकि वो मैनेजमेंट के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं ना, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो हमने इस स्टेप को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करना है कि हमने कभी भी फेलियर को प्लान नहीं करना, बट अपने डे को, अपनी लाइफ को ज़रूर प्लान करना है। देन जो मेरी नेक्स्ट स्टेप है वो जनाब एनालाइज योर लास्ट डे, कि आपने अपने जो प्रीवियस डे है, जो आपका गुज़िश्ता दिन है, जो गुज़र चुका है, आपने उसको एनालाइज करना है कि यार मैंने कल के दिन में क्या क्या काम किए थे, कौन कौन से अगर कोई काम खुदा खास्ता रह गए हैं तो वो मैंने आज किस तरह से फुलफ़िल करने हैं। क्योंकि जब आप अपने डे को एनालाइज नहीं करेंगे, जो प्रीवियस डे है, जो आपका गुज़िश्ता दिन है, उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो आपने आज के दिन को कभी भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। आप ये देखें कि कल अगर मेरी किसी से तल्ख कलामी हुई थी, आपने कोशिश ये करनी है कि आज मेरी किसी से भी तल्ख कलामी ना हो। कल अगर किसी से मेरी कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो आज मेरी किसी से कोई ऐसी वैसी बात ना हो। कल मुझसे मेरी अगर किसी के साथ नाराज़गी हो गई तो मैं ये कोशिश करूँ आज मेरी उससे दोस्ती दोबारा हो जाए। जो कल अगर किसी भी रीज़न की वजह से कोई मेरा काम पेंडिंग रह गया तो मैंने आज उसको किस तरह से फुलफ़िल करना है। अगर मेरी कल किसी के साथ कोई कमिटमेंट थी और जो मैंने आज फुलफ़िल करनी है तो वो मुझे याद रखनी है कि मैंने आज ये जो किसी के साथ कमिटमेंट की है वो मैंने फुलफ़िल करनी है। जो आप कल के दिन को याद रखेंगे तो आज का दिन आपका बेहतर होता चला जाएगा, और अगर आपने कल के दिन को भुला दिया तो फिर आपको बार बार लेम एक्सक्यूजेस देने पड़ेंगे कि मुझे भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, अगर मैं थोड़ा सा मुझे आप याद करवा देते, रिमाइंड करवा देते तो मैं ये काम कर लेता। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं परफेक्ट, बट हमें कोशिश ये करनी है कि हमने प्रीवियस डे को याद रखना है ताकि हमें आज के दिन को बेहतर बनाने का मौका मिल सके। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो जनाब है आपके काम से रिलेटेड, डू योर वर्क विद योर फुल सिंसियरिटी। मीन्स कि आप जो भी काम कर रहे हो ना यार, इसको आपने अपनी फुल सिंसियरिटी के साथ करना है। कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी एजुकेशन को अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ करना है। अगर आप जॉब करते हैं मेरी तरह तो हमने अपनी जॉब को फुल सिंसियरिटी के साथ करना है, उसमें हमने कोई दो नंबरी नहीं करनी है, कोई डंडी नहीं मारनी है। जो टाइम हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है या ऑफिस ने दिया हुआ है वो टाइम हम फुलफिल जो है अपने डिपार्टमेंट को, अपने ऑफिस को ज़रूर दें, क्योंकि जब सिंसियरिटी के साथ हम काम करते हैं तो उसमें तरक्की मिलती है। आप बिजनेस कर रहे हो, जितना सिंसियरिटी के साथ, जितना ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे, अल्लाह ताला उसमें उतनी ही बरकत देता चला जाएगा। आज के दौर में हम देखें ना तो बहुत से लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि यार रोज़ी में बरकत नहीं रही, तनख्वाह आती है और ऐसे चली जाती है। आप यकीन करें कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनकी सैलरीज जो हैं वो मेरी सैलरी से कई गुना ज़्यादा हैं, बट वो प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब के साथ उतने सिंसेयर नहीं होते, अपने काम के साथ उतने ईमानदार शायद नहीं हैं, या उन्होंने अपनी लाइफ का जो स्केड्यूल है, जो रूटीन है, वो इतनी डिस्टर्ब की हुई है कि जिसकी वजह से वो उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, उन्हें अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि एक तो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें और अपनी जो बिज़नेस की इन्वेंट्रीज हैं, जो अपने काम की रूटीन है, ऑफिस वर्क है, उसको हम पूरी सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ करते चले जाएं, क्योंकि जो ऑनेस्टी है उसका जो फल है वो सिर्फ अल्लाह ताला से मिलता है और वो एक ना एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर मिलता है। तो इस पर अपना ईमान जो है वो हमने रखना है। जो आज की जो मेरी बाकी जो टिप है, जो लास्ट टिप समझ लें, वो है जनाब कम्प्लीट योर टू डू लिस्ट। एक तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये टिप दी थी कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं, कि टू डू लिस्ट अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो वो ये होती है कि आपने एक चार्ट बना लेना, एक लिस्ट बना लेनी है। कि जैसे हम घर की ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो हम एक लिस्ट बना के ले आते हैं। आप इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखते होंगे, एक लिस्ट ही बनती है ना कि यार मैंने ये सामान जो है वो घर का आज लेकर आना है। तो हम लोगों ने अपने रूटीन लाइफ में भी जो डेली मैटर्स हैं
उनकी भी एक टू डू लिस्ट बनानी है कि मेरे पर्सनल काम कितने हैं, मेरे ज़ाती काम कितने हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स के कौन कौन से काम हैं, मेरे ऑफिस के कौन कौन से काम हैं, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स के कौन कौन से काम हैं, मैंने पेरेंट्स को कितना टाइम देना है, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कितना टाइम देना है, मैंने अपने बच्चों को कितना टाइम देना है, मैंने अपने लाइफ पार्टनर को कितना टाइम देना है, ये एक कम्प्लीट टू डू लिस्ट होनी चाहिए। और जब हम अपनी इस टू डू लिस्ट को कम्प्लीट कर लेंगे, और बिलीव मी, अगर हम 10 टास्क बनाते हैं, अगर हम उनमें से 8-9 टास्क भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ऐसी लाजवाब कामयाबी अपनी लाइफ में, इतना ज़बरदस्त बैलेंस मिलेगा कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये मेरी आज की कुछ टिप्स थी कि जिनको अगर हम सुबह उठने के बाद अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें, इंक्लूड कर लें, तो हम लाजवाब कामयाबी जो है अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।